हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ लेक्चर थ्री ऑफ 250 सॉल्व प्रॉब्लम सीरीज इन रे ऑप्टिक्स। तो लेक्चर थ्री में हम लोग लेंसेस पढ़ रहे थे, उसको कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके थे, ठीक है, लेक्चर थ्री के पार्ट वन में। और फिर क्वेश्चन बनाना भी स्टार्ट किए थे हम लोग। क्वेश्चन कौन से, पिछले 18 साल में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, लेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पेपर में सबके साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक इसके दो पार्ट्स कर चुके हैं। पार्ट वन में थ्योरी पढ़े थे, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस किए थे, पार्ट टू में सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट थ्री इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। तो पार्ट्स में तोड़ते हैं कन्वीनियंस के लिए, कभी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए, ठीक है ना। तो फिर से जो हमारा मोटो है, अगर आप सिर्फ पार्ट थ्री देखने हो तो ऐसा मत देखो, आपका टाइम वेस्ट होगा। पार्ट वन में जो थ्योरी है एटलीस्ट वो देख लो पहले, ठीक है। थ्योरी में 20-25 मिनट का थ्योरी है, वो देख लो, उसी के बेसिस पर हम लोग सब क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ दो फॉर्मूलाज है, उनको यूज कर रहे हैं। एक तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, म्यू एल बाय म्यू सराउंडिंग, म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, 1/r1 - 1/r2। ध्यान दें कि एफ आर वन आर टू सब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा 1/v - 1/u, लेंस को लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। और पावर वाला तो 1/f होता तो उतना बड़ा चीज़ नहीं है ना, तो याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसमें। इस लेक्चर के एंड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड भी देख लेंगे, क्योंकि वो पढ़े नहीं थे हम लोग, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है सच बोले तो, ठीक है, इससे नहीं पढ़े थे। भले आपके इंस्टीट्यूट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हो, आपको हार्ड लगता हो। अब जी मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे या जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखे अभी तक, ठीक है ना, अभी तो 2019 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे कहीं भी उसका जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, उसको तो जरूरत नहीं है, नहीं है ना। तब भी हम लोग पढ़ लेंगे आपका मन रखने के लिए, बस और कोई नहीं। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग ए बाई कॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो, ठीक है। द होल सेटअप इज सेट इमर्ज इन वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन पोजिशन, ओके, वॉट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो वाटर में डालने के बाद क्या चेंज होगा, वाटर में डालने के बाद फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन म्यू ऑफ लेंस, जो कि चेंज नहीं होगा वाटर में डालने के बाद, लेकिन म्यू ऑफ सराउंडिंग तो चेंज हो जाएगा ना। एयर में अलग सराउंडिंग है, वाटर अलग सराउंडिंग है, ठीक है। 1/r1 और 1/r2 में तो कोई फर्क नहीं आने वाला है ना, तो इसमें नो चेंज। या आप सिंपली चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, 1/focal length इन वाटर, ठीक है। तो म्यू ऑफ लेंस मटेरियल आपका, जिसे जो भी हो, वैसे यहाँ पे डेटा दिया नहीं तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि जब आप फोकल लेंथ इन एयर निकालोगे तो ऐसा आएगा, फोकल लेंथ इन एयर हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाई म्यू ऑफ एयर विच इज वन, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम चीज है ना, ऑफकोर्स दिस टू आर नॉट इक्वल, ठीक है, देख के पता चल रहा है, क्योंकि ये रेशियो ले लो तो आपको दिख जाएगा दिस रेशियो इज नॉट वन, एफ एयर बाय एफ वाटर इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, मतलब लेंस को अगर एयर में रखें, जैसे ये वाला फिगर है, तब जहाँ भी इमेज बन रहा होगा, लेंस को वाटर में रखेंगे तो फोकल लेंथ शिफ्ट हो गया तो इमेज भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका लेंस फॉर्मूला में फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है इमेज का लोकेशन। ये तो सेम है दोनों केस में, ठीक है, बट दिस इज डिफरेंट इन बोथ केसेस, तो दिस मस्ट बी डिफरेंट। समझ में आई बात, डिफरेंट रहेंगे तभी ना सेम चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंट क्या आएगा, ठीक है ना। चलो, तो यानी आपका जो इमेज बनने वाला है वही आपको इस पूरे सेटअप को, अब इस पूरे सेटअप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज स्क्रीन में बन रहा था, देखो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, बन रहा था, है ना। लेकिन अब इसी सेटअप को उठा के आप वाटर में डाल दोगे तो वाटर में तो फोकल लेंथ चेंज होने वाला है, तो यानी वाटर में उसी लोकेशन में इमेज नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट चेंज होने वाला है, ये तो सेम है क्योंकि ऑब्जेक्ट का लोकेशन वही है, ठीक है। तो ये नहीं, इसको चेंज होना पड़ेगा, है ना। तो इमेज क्या हो जाएगा, स्क्रीन में तो बनने नहीं वाला, इस स्क्रीन में तो इमेज आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो इमेज डिसअपीयर्स, है ना।
समझ में आई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव एनर्जी दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, देयर प्लेन सर्फेसेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, ठीक है। अब डिपेंड करिए कॉम्बिनेशन कैसे देख रहे हो आप। जैसे मैं आपको दोनों केस दिखा देता हूँ, एक केस का बनाता हूँ फिर मैं दूसरा केस दिखा दूंगा। ये आपका प्लेनो कॉनकेव है और इसमें फिट हो गया है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। जैसे मैं आपको ब्लैक से दिखाऊं तो ब्लैक आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है और रेड से दिखाऊं तो रेड आपका प्लेनो कॉनकेव है, ठीक है। दोनों एग्जैक्टली फिट हो रहा है, दोनों का प्लेन सर्फेस देख लो पैरेलल है, ये वाला सर्फेस इज पैरेलल टू ये वाला सर्फेस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में बोला गया है ना। चलो F1 का वैल्यू निकालते हैं। तो F1 मतलब क्या? फोकल लेंथ ऑफ पहला वाला पार्ट का लेंथ है ना, रेड वाले पार्ट का लेंथ, ठीक है ना, रेड वाले लेंस का पार्ट। तो वो हो जाएगा म्यू माइनस वन, ओके, पहला वाला तो कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला कॉनकेव है, हाँ, तो म्यू माइनस म्यू वन माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय टू, ठीक है, समझ में आ रही बात। हम लोग इसका निकाल रहे हैं टैन 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 इसका, ठीक है। तो रेस तो हमेशा राइट से ही मानते हैं हम लोग, लेफ्ट से ही मानते आते हुए। तो आर वन तो इन्फिनिटी है और आर टू प्लस आर, ठीक है, आर टू आपको मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है ना आर, तो प्लस आर मान लेंगे, है ना। तो आर वन इन्फिनिटी, आर टू प्लस आर, ठीक है। तो एफ वन आपका ऐसा आ गया म्यू माइनस माइनस वन बाय आर विथ ए माइनस है, ठीक है, ये हो गया एफ वन, है ना। वैसे एफ टू निकाले अगर, तो एफ टू के लिए ध्यान दें, एफ टू ये आपका, ठीक है ना। तो इसके लिए आर वन ये विच इज प्लस आर और आर टू इज इन्फिनिटी, है ना। तो म्यू टू माइनस वन, क्योंकि एफ टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। तो एफ टू अगर आप देखोगे तो म्यू टू माइनस वन बाय आर हो गया, है ना। तो एफ वन एफ टू मिल गया दोनों, ठीक है, ओके। अगर आप कॉम्बिनेशन का आपसे पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन बताओ, ठीक है, ओके। तो अगर आप फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन देखोगे तो वन बाय एफ इक्वलेंट क्या होता है, वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू, ये होता है ना, ठीक है। तो वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू करेंगे तो वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू, है ना। तो दोनों को ऐड ही करना है सिंपली। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान दो तो वन माइनस म्यू वन बाय आर जो है, ठीक है, तो वन माइनस म्यू वन बाय आर प्लस म्यू टू माइनस वन बाय आर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, वन वन कैंसिल हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर आ रहा है, कितना आ रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा आर, मतलब फोकल लेंथ इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा, इतना इन्वर्स करना होगा ना क्योंकि वन बाय एफ है, ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा एफ बाय म्यू टू माइनस म्यू वन, आर बाय म्यू टू माइनस म्यू वन, एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है ना। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या था, 22 था ना, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, फिगर थोड़ा खराब है, वन प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स एंड वन प्लेन ऑफ ए ऑफ कॉन्केव लेंस, वन प्लेन ऑफ ए कॉन्वेक्स ऑफ सेम रेडियस आर बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल जॉइंट साइड बाय साइड आर शोन इन फिगर, वन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉन्केव होगा, ठीक है, प्लेनो कॉन्केव, प्रिंट टाइपिंग एरर है, जॉइंट साइड बाय शोन इन फिगर, ठीक है। तो फिगर वही पिछला वाला फिगर ही है, थोड़ा फिगर खराब बन गया है, बस ऐसा ही है, इसी चीज़ को थोड़ा यहीं तक होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन का म्यू वन है, टू का म्यू टू है, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो अभी जो पिछले केस में लिखे थे तो कितना आया था, आर बाय म्यू और का डिफरेंस, ठीक है ना, आर और म्यू का डिफरेंस, ठीक है, जो पिछले केस में आया था वही है ना। अब इसी में आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आर बाय म्यू टू माइनस म्यू वन आया था और इस केस में आर बाय म्यू वन माइनस म्यू टू है, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पिछले केस में हम लोग क्या किए थे, पिछले केस वाला जो फिगर है वही ड्रॉ कर लेते हैं, या पिछले केस वाला भी दिखाए थे हम लोग, तो पिछले केस में हम लोग ये वाला फिगर ड्रॉ किए थे ना, तो वही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब डिपेंड करता है किसको पॉजिटिव ले रहे हो किसको नेगेटिव, ठीक है, थोड़ा फिगर खराब हो गया लेकिन ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्लैक वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, तो R1 इन्फिनिटी
और आर टू माइनस आर, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हम, ठीक है ना, जो भी रेडियस का वैल्यू होगा नेगेटिव में डालेंगे आप, है ना। तो इसके लिए अगर फोकल लेंथ निकालें तो म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, तो ये हो जाएगा म्यू वन माइनस वन डिवाइड बाय आर, ठीक है। और सेकेंड वाला पार्ट रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अगर देखें सेकेंड वाला पार्ट का अलग से यहाँ ड्रॉ करें अगर, तो इसके लिए आर वन जो है वो माइनस आर है और आर टू जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे फिर से वही कन्वेंशन याद रखना, एक फॉर्मूला लगाते वक्त सेम कन्वेंशन यूज़ करना है, ठीक है। तो वन बाय एफ टू म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, तो ये म्यू टू माइनस वन बाय माइनस आर एफ टू का वैल्यू, ठीक है। एफ वन एफ टू मिल गया, हम लोग को पता है थिन लेंस से कॉन्टैक्ट है, तो सिंपली इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ को ऐड करो तो इक्वेरेंट फोकल लेंथ का इन्वर्स मिल जाएगा। तो म्यू वन माइनस वन बाय आर और यहाँ पे माइनस म्यू टू माइनस वन बाय आर, यही तो है माइनस है ना, ठीक है। दोनों को ऐड ही किए, मैं सोचना सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा आर डिनोमिनेटर में म्यू वन माइनस या म्यू, तो ये म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर आया, ठीक है। तो वन बाय एफ इज म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर, यानी एफ हो जाएगा आर बाय म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक है, जो कि ऑप्शन फोर है ना। तो डिपेंड करेगा किस तरह पॉजिटिव नेगेटिवली, उसके हिसाब से आंसर का साइन में फर्क आएगा, ठीक है। तो मैं सोचना कि दोनों सेम क्वेश्चन है तो आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, कन्वेंशन अलग अलग है दोनों में, ठीक है। 23 क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चलेगा कन्वेंशन, गेस मारना पड़ेगा, है ना, या अल्टीमेटली आंसर लेते हैं उसका, वो ऐसा नहीं होगा तो उसका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये गेस मार के कि ऑथर लोग ने नेगेटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होगा आपके हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में, अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जेंट लेंस। अपराइट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, अ कन्वर्जेंट मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 60 ऑन द अदर साइड, द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी, ठीक है। तो एक अपराइट ऑब्जेक्ट है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस मतलब कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर से 40 दूर रखा गया है, ये है 40 सेंटीमीटर, है ना, और इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20, ठीक है, प्लस 20 लेंगे अपने जनरल कन्वेंशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उस हिसाब से। कन्वर्जेंट मिरर और फोकल लेंथ 10, फिर एक कन्वर्जेंट मिरर है ना, तो कन्वर्जेंट मिरर मतलब क्या, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 है, ठीक है, जिसका तो माइनस मिलेंगे, है ना, क्योंकि उल्टे तरफ है ना। इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 60 फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। द पोजिशन एंड साइज ऑफ द फाइनल इमेज, ठीक है ना, तो फाइनल इमेज का लोकेशन बताना है हम लोग, है ना। अब ध्यान देना, कन्वर्जेंट जो लेंस है, कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 और रखा गया ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, है ना, यानी इमेज भी उतनी दूर बनेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ कर लो, ये लेंस के लिए लगा रहे फॉर्मूला, ठीक है। वी वन बोलते हैं लेंस के थ्रू जो मिरर मतलब लेंस में लेंस के कारण जो डेविएशन आएगा उससे जो इमेज बनने वाला है, तो 2 1 बाय 40, तो यहाँ से देख लो वी वन का वैल्यू भी कितना है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो वही है, फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर रखेंगे तो उतने दूर अदर साइड में ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज यहाँ पे बनेगा, ऑफ कोर्स सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, है ना, ठीक है। तो ये इमेज बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज वन, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ ही करना है तो मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ कन्फ्यूजन कम से कम रखने के लिए। तो यहाँ से रे आया, यहाँ पे कहीं ऐसे हो गया, ऐसे गया, और दूसरा रे यहाँ से है, ठीक है। दो रे दिखा के मैंने टॉप का बना दिया, वैसे करके हर पॉइंट का बना के अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यू और वी सेम है, यू और वी अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये भी मेरे डायग्राम से नहीं पता चल रहा है, लेकिन दोनों 40 है, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज सेम रहेगा, ठीक है, ओके। तो पहला हो गया, अब सके मिरर के लिए देखना है ना। अब मिरर के लिए देखेंगे
तो एज फार एज मिरर इज कंसर्नड, तो थोड़ा इधर ड्रॉ कर रहा हूँ मिरर को। तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, या देखना ये 60 था ये 40 था, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट है और मिरर का फोकल लेंथ ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव एक्सेस में लाई करने वाला है ना। तो वही 1/v माई प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, तो 1/v प्लस 1/u, u कितना है -20 इज इक्वल टू 1/f। तो पुट करो तो 1/20 माइनस 1/10, 2/20 माइनस 1/20, तो v2 क्या है, -20 आया है, ठीक है। तो v2 -20 आया, मतलब यहीं पे बनने वाला इमेज वही आप वैसे भी देख सकते हो, तो फोकल लेंथ जितना भी है उसके डबल पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो इमेज यहीं पे बनेगा, ठीक है ना। मतलब क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के लिए, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर रखेंगे तो ऐसा बनता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आई बात, है ना। आप वैसे यहाँ से भी देख सकते थे, ये 40 था, ये 20 था, 20 इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज भी यही भी बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो दो बार उल्टा हुआ मतलब सीधा हो गया, तो आपको आंसर आना चाहिए, फाइनल जो आपका आंसर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखे थे तो इमेज आपका यहीं पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, ठीक है, फाइनल इमेज यहीं पे बन रहा है ना, पक्का। अभी फिर से लेंस से जाना तो बचा हुआ है ना, ठीक है, अभी तो मिरर से पास हुआ, एक बार लेंस से पास होगा, एक बार मिरर से टकराएगा, फिर वापस लेंस से भी तो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल इमेज नहीं आया है ना, तो इसको थोड़ा मिटा के साफ करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। ओके, थोड़ा ज़्यादा ही साफ कर दिए, कम साफ करना है, हाँ, और थोड़ा इसको शिफ्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23, 22, 24 है, ठीक है। तो अभी तक जो किए वो मेहनत बर्बाद तो नहीं हुआ है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट रखे हम लोग, ठीक है, ये लेंस है, ये मिरर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रे निकल के लेंस से पास होके इमेज जो है यहाँ बना था पहला, ठीक है, वो इमेज से रे निकल के मिरर में टकरा के वापस वहीं पर बना, ठीक है, और ये वापस ऐसे जाके, क्योंकि रिट्रेस होना है ना, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया फॉलो करना रे अपने आप को, तो वापस फॉलो करके वहीं पर बनने वाला है, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो रे डायग्राम से अच्छा वाला मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बना के दिखाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट, लेंस, मिरर, रे यहाँ से गया, इसके फोकस से पास होगा, ठीक है, ओके, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से इमेज पहले इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, वो बना लेते हैं, यहाँ है, ठीक है ना। तो ये इमेज यहाँ पे बना है। अब पॉइंट इज दिस कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया कर रहा है इस मिरर के, है ना, तो इसका इमेज यहीं पे बनने वाला है फिर से ऐसे उल्टा, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक है। अब ये जो है ये बिहेव करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर ये मिरर, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट से बिहेव करेगा, है ना, समझ में आ रही बात, इससे और कंफ्यूज हो गए होंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का दिखाना जो है उससे पहले फील आ जाएगा, पहले फील ले लो, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे। यहाँ से रह गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो 90 डिग्री पर टकराया, ठीक है, और रे रिटर्न आके अल्टीमेटली यहीं पे आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो यहीं पे बनना है, ठीक है ना। अगर आपको ओवरऑल देखना है कि क्या हो रहा है साइज, तो साइज ऑब्जेक्ट वहीं पे बन रहा है, तो इमेज भी मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे इमेज बन गया अल्टीमेटली, ठीक है ना। या मैग्नीफिकेशन वाइज भी देखो तो इसके कारण मैग्नीफिकेशन 1 आया था, मैग्नीफिकेशन टू लेंस 1 आया था, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीफिकेशन टू मिरर भी 1 आया था मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो चाहे कितना बार भी लेंस के थ्रू पास हो जाए,
है ना, ऐसा जगह पे ही रखा गया है कि वन ही आते रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो साइज तो सेम रहेगा, तो सेम साइज वाला दो ऑप्शन है, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा फाइनल इमेज? फाइनल इमेज तो यहीं पे बन रहा है, यहीं पे फाइनल इमेज बनने वाला है, ओ पे ही, ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो द आंसर इज 40 फ्रॉम कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मिरर ऑफ 10। कन्वर्जेंट मिरर ने कन्वर्जेंट लेंस से 40 सेम साइज है, वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कन्वर्जेंट मिरर सेम साइज, कन्वर्जेंट मिरर सेम साइज, नहीं कन्वर्जेंट सेम साइज में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्वाइस द साइज पॉसिबल है? फोर्टी फ्रॉम कन्वर्जेंट लेंस, 40 फ्रॉम कन्वर्जेंट मिरर, मिरर से कितना दूरी पे है? अरे मिरर इसके बीच तो ऑलरेडी 60 है, तो हो ही नहीं सकता। फोर्टी फ्रॉम कन्वर्जेंट लेंस ट्वाइस द साइज, नहीं सेम साइज ही बनना है। 40 फ्रॉम कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे तो ये बोनस होने वाला है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे मतलब एक्चुअल में तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, मतलब ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जेई में अगर इसको बोनस नहीं दिया गया, मैं चेक नहीं किया हूँ दिया गया है कि नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन मैच कर सकता है, लेकिन फिर क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइनल इमेज का मतलब ही चेंज करेंगे हम लोग, है ना। तो आप क्या करो, हर स्टेप के बाद जो इमेज निकाले थे सबको देखो, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखोगे तो इमेज सबसे पहले यहाँ पे बना था लेंस के बाद, ठीक है ना। उसके बाद मिरर से टकराने के बाद रेज गया था, मिरर से टकरा के वापस इमेज यहीं पे बना था, ठीक है ना। तो सेकेंड वाले इमेज को अगर आप देखोगे तब वो आपका 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स ये बन रहा है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट मिरर, क्योंकि ये तो 20 आया था, याद है ना ये, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन फिर मैच करेगा, ठीक है ना, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज तो हमेशा यहाँ पे वन ही बनने वाला है, तीनों इमेज बना है यहाँ पे वो सब सेम, मतलब मैग्निफिकेशन सबके लिए साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो पहला जो इमेज बना था वो भी उतना ही बड़ा था, ठीक है। वो इमेज से लाइट ले गया, मिरर में टकराया और फिर वापस इमेज वहीं पे बना, ठीक है, लेकिन उल्टा बना, है ना। तो इसका बात कर रहे हैं, ये आई टू है, ये आई वन है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो आई टू ये है, आई वन आपका ये, आई वन ये है, आई टू ये, ठीक है ना। और फिर ये एक्ट कर रहा है एज आपका क्या बोलते हैं, इमेज फॉर ऑब्जेक्ट फॉर ये लेंस, ठीक है ना। तो फाइनल इमेज आपका ये बनेगा, ये आई थ्री है, ठीक है। सबका साइज सेम है, हाइट वाइज सब सेम है, ठीक है, मैं वो बोलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे तो सब मतलब ओवरऑल सोचे तो ये नन ऑफ दीज ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे एग्जाम में देख लो ना कि गलती होती है आईटी वाले से, मतलब जेई मेन वालों से, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन में अगर आप पूरा मेहनत करके लाए हो आंसर, लेकिन मैच नहीं करो, आपको श्योर है आप कहीं गलती नहीं की हो, तो जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस बन रहे हैं वहाँ पे फिर सोच रहे ना क्या पता ये लोग फाइनल मतलब सेकेंड इमेज थर्ड इमेज का बात कर रहा है, फोर्थ इमेज का बात कर रहा है, वैसे चेक कर लेना कौन सा मैच कर रहा है बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। मतलब वैसे तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 23, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड कनकेव मिरर हैविंग देयर प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द सेम लाइंस आर केप्ट 80 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, और एक कॉन्वेक्स कनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है, और इनको दूर रखा गया 80 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। कनकेव मिरर इज टू द राइट ऑफ कॉन्केव, ठीक है, वैसे तो बनाया है, अच्छा बोल दिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस 30 टू द लेफ्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस, 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट पे एक ऑब्जेक्ट रखे फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इट्स इमेज रिमेन्स एट द सेम पोजिशन इवन इफ द कनकेव मिरर इज रिमूव्ड, ठीक है। तो कनकेव मिरर को यहाँ पे रखो या ना रखो, इमेज जो है वहीं पे बनने वाला है ना, यानी कनकेव मिरर से पहले ही इमेज बन जा रहा है। और दूसरी बात, कनकेव मिरर का इफेक्ट
नेग्लिजिबल है उस इमेज पे। इसका मतलब ये कि कनकेव मिरर लाइट रे को बेंड नहीं कर पा रहा, जैसा लाइट रे आ रहा वैसे ही भेज देगा, वही हो सकता है मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब वही है कि लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इज सच दैट इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तभी तो 90 डिग्री में टकराएगा, ठीक है। और 90 डिग्री में टकराएगा तभी वो रिटर्न वैसे ही आएगा, तो लाइट रे का पैटर्न में कोई शिफ्ट ही नहीं हो रहा है इस मिरर में। अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल के लेंस से पास होने के बाद मिरर में टकरा के लाइट ऐसा हो जा रहा, ठीक है, तब तो मिरर को हटा दोगे तो लाइट का पाथ डिफरेंट हो जाएगा। मिरर अभी है तो लाइट का पाथ देखो ना, ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया, डेविएट हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो डेविएशन हुआ ही नहीं, मतलब उसी पाथ के अलॉन्ग जा रहा, पाथ चेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो ये मिरर कभी मतलब क्या बोलते हैं, नॉन मतलब रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक तभी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं देगा अगर वो उस पर जो लाइट रे आ रहा होगा वो परपेंडिकुलरली आ रहा हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पे ही इमेज बनना है टू टू लेंस, ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ मिरर के बराबर होगा, तभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है ना। चलो तो हो तो गया, क्वेश्चन बन गया ना। तो आपको ऑब्जेक्ट तो पता है 30 पे, तो 1/ लेंस के लिए देखते हैं, लेंस के लिए यहाँ पे बनाना, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। 1/v लेंस के लिए यूज कर रहे हैं, 1/u लेंस के लिए कितना है, u -30 इज इक्वल टू 1/f, लेंस का f कितना है +20, ठीक है। तो 1/v हो गया 1/20 -1/30, तो 600 और 10 1/60, तो v कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो ये तो 60 सेंटीमीटर दूर माना, तो 80 है तो ये 20 हो गया, मतलब r का वैल्यू 20 है। तो रेडियस ऑफ मिरर, ये जो कॉनकेव मिरर उसका रेडियस साइन के साथ नहीं, खाली रेडियस है ना, वो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो 20 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस कॉनकेव मिरर बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ मतलब अकेला कॉनकेव मिरर वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज मूवी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, तो एक कॉनकेव मिरर से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस दूर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो ताकि ये वर्चुअल इमेज बनाए, अकेले अकेला है ना, बाय इटसेल्फ बोल दिया मतलब अकेला रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो हम लोग को पता है कि कॉनकेव मिरर में अप अंटिल फोकस, इन्फिनिटी से लेके फोकस तक हम लोग ये फोकस के जस्ट पहले तक रखते हैं तब इमेज रियल बनता है, और फोकस के बियॉन्ड, ठीक है, जो मैं एक लाइन खिंचाऊँ इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है, और इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज रियल बनता है ना। तो इन सब पॉइंट्स पर रखेंगे, यानी मैं आपको अल्टीमेटली ये बोलना चाहता हूँ कि ये अगर फोकस है मान लो, तो इन सब पॉइंट्स पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनने वाला है। तो इन सब में से मैक्सिमम डिस्टेंस किसका है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो फोकस वाले पॉइंट का ही है, ठीक है। तो आपको फोकस बताना है, तो रेडियस कितना है, तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 10 आएगा और यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इससे दूर रखेंगे तो फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर रियल इमेज बनने लगेगा, है ना। फोकस के बियॉन्ड जब भी रख दोगे तो रियल इमेज बनेगा, फोकस के अंदर रखोगे मतलब पोल से लेके फोकस के बीच में रखोगे तो आपका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 में, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर एम, व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट ए सच दैट OA इज 18, इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्मड एट ए, ठीक है, ओके। व्हेन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिरर इज पुट बिटवीन द लेंस एंड द मिरर द पिन हैज टू मूव टू ए डैश, ठीक है, टू गेट इट्स इन्वर्टेड रियल इमेज एट ए डैश इटसेल्फ, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या क्वेश्चन बोला गया है, जैसे ये जो सेटअप दिया गया है मिरर और लेंस का, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं तो इमेज वहीं पे बन जा रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब दिस बिहेव्स एज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के कहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज को इंसाइड करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखे उस साइड को नेगेटिव, ठीक है, और अपोजिट साइड को पॉजिटिव, है ना। तो लाइट रे पहले इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो ये R1 है, ठीक है, तो R1 तो पॉजिटिव आएगा और R2 जो है नेगेटिव आएगा, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। अगर आपको ये अजीब लग रहा तो आप टेढ़ा करके देख लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, खाली फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या करते हैं हम लोग, म्यू
म्यू ऑफ लेंथ तो 1.5 दिया गया है, म्यू माइनस 1, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, ठीक है, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आप 1 बाय आर आ जाएगा टोटल, है ना, यानी फोकल लेंथ ऑफ जो भी हो लेंस कितने आर है, ठीक है। अब यहाँ पे अजम्पशन है कि आर वन आर टू दोनों इक्वल है, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये अजम्पशन नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। आपका आंसर आर वन आर टू के टर्म्स में रहेगा, मतलब एक वेरिएबल ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, अननोन्स ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। तो मुझे पहले से पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ लोग मिस्टेक किए, इक्वी लिखना चाहिए था, ठीक है। ये आप क्वेश्चन बनाना भी स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे आर वन आर टू दोनों सेम होना चाहिए, एटलीस्ट एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, सेम ही होना चाहिए इनफैक्ट, तभी वो रेशियो कैंसिल होगा, है ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये एफ एल का वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट केस था, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेलेंट निकालें तो आपको पता है वन बाय फोकल लेंथ ऑफ इक्वेलेंट मिरर वो होता है माइनस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस वन बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ ऑफ इक्वेलेंट मिरर जो आएगा वो तो आपका सी का आधा आएगा, ठीक है, और सी आया 18 में, है ना, ये इसका फिर 9 आएगा, तो इसका फोकल लेंथ तो आपको पता है माइनस 9, क्योंकि वो अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे, है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ इक्वेलेंट मिरर कितना है माइनस 9, ठीक है। तो माइनस 2 बाय एफ एल, एफ एल के वैल्यू आर प्लस 1 बाय ये चीज़, ये चीज़ तो इन्फिनिटी है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो इन्फिनिटी, ये तो इक्वेलेंट निकालने का तरीका है ना, ठीक है, दिस इज इक्वेलेंट टू ये वाला चीज़, है ना, तो इक्वेलेंट निकालने का तरीका है। ओके, तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला डेटा से हम लोग पता चल गया कि जो रेडियस है मिरर का, मतलब ये कर्व सरफेस का जो रेडियस है दैट इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पता नहीं था हमें, है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मत सोचना कि ये जो मिरर है इसका रेडियस कर्व 18 है तो डायरेक्टली यहीं से दिख गया, नहीं नहीं ये तो इक्वेलेंट मिरर है, इक्वेलेंट मिरर का रेडियस यहाँ पे जो कर्व सरफेस उसके रेडियस से अलग हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेटा ऐसा है कि सेम आ गया, है ना। तो ये मत सोचना कि आप लक्की थे, मतलब ये मत सोचना कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा या मेहनत किए, ठीक है, जितना मेहनत की उतना तो करना ही पड़ता है ना। आप सेकेंड केस देखते, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में तीन चीज़ें हैं, तो सेकेंड केस में सबसे पहले ध्यान देना कि आपका मिरर और लेंस के बीच में लिक्विड भर दिया हम लोग, ठीक है, तो उस लिक्विड को मैं दिखाना चाहूँगा ब्लैक से, सॉरी ब्लैक सेलेक्ट नहीं हुआ, एक सेकेंड, हाँ ये अरे हाँ ये पार्ट में लिक्विड भर दिया गया है, समझ में आ रही बात। तो लेंस आपको समझ में आ गया ना, प्लेनो कनकेव दिखने वाला है, ठीक है, तो ये जो लिक्विड लेंस है कुछ ऐसा है, अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है, लिक्विड लेंस कुछ ऐसा रहेगा, है ना, ये बीच में भी आ जाएगा कुछ ना कुछ, वो तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ डायग्राम थोड़ा ख़राब बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड लेंस है, मतलब जिस एरिया में जिस वॉल्यूम में लिक्विड भरे उसके कारण जो बेंडिंग होगा वो देखना चाहते हैं, ठीक है, फिर से ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है ना। तो लिक्विड लेंस का का क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ को एफ एल डैश बोलते हैं, मान लो तो वन बाय एफ एल डैश आपका हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस माइनस वन, ठीक है, वन बाय आर वन माइनस आर टू, तो आर वन तो इसको बोलेंगे, आर वन आपका क्या है माइनस आर है और आर टू तो इन्फिनिटी है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है वन बाय एफ एल डैश जो है वो वन माइनस म्यूएल बाय आर, और आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 18, ठीक है, तो वन बाय एफ एल डैश का वैल्यू इतना आया, याद रखेंगे हम लोग, है ना। अब सेकेंड केस में अगर इक्वेलेंट निकाले हम लोग तो सेकेंड केस में जो है दिस इज इक्वेलेंट टू जो इक्वेलेंट मिरर आ रहा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड केस में याद होगा आप क्वेश्चन पढ़े थे ना, 27 सेंटीमीटर दूर बन रहा है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे है। तो सेकेंड केस में जो इक्वेलेंट मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा माइनस 27 बाय 2, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव साइड ध्यान देना है ना। तो ठीक है, इक्वेलेंट को उसके टर्म्स में लिखते हैं, हम लोग को पता है इक्वेलेंट और कॉम्प इक्वेलेंट जो है अपने जिन जिन कंबाइन करके इक्वेलेंट आया उन पर कैसे डिपेंड करता है, तो एफ एल तो दो बार आएगा, ठीक है,
क्योंकि लेंस है ना, वैसे एफ एल डैश भी दो बार आएगा क्योंकि दो लेंस, दो ओबी लेंस है ना, मिरर एक बार आता है। ठीक है, अब कल वैल्यूज पुट करो ना, -2/FL, FL का वैल्यू निकाले हम लोग, तो -2/FL आपका यहीं से देख सकते हो आप, ये तो 0 है, तो -2/FL इज नथिंग बट 1/ ये, यानी -1/9। ठीक है, तो दिस इज -1/9। ठीक है, और -2/FL, और -2/FL मतलब -2 × 1/FL, विच इज यहाँ से लिखे, अगर एफ एल डैश के वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1/(1 − 2L/18) +1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर विच इज इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका वैल्यू तुम्हें पता ही है, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इन सेकेंड केस -27/2, तो -2/27 इसका इन्वर्स लिख दिया। ठीक है, तो अगर इस सबको कैलकुलेट करें, ये -1/9 और -2/(1 − μL/18), ओके, इसको कैलकुलेट करना है ना, तो ये तो 2 μL − 1/18 हो गया, और इधर में 1/9 − 2/27, यहाँ तक तो सही है, इसको 2/9 कर दो, मतलब 9 कर दो, और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, 9 × 27 = 2/3। ठीक है ना, तो μL − 1 इतना है, तो 1 को उधर भेज देंगे तो इतना हो जाएगा, 6 − 2 = 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये खाली कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दिया लास्ट में, क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो गया था, तो μL वैल्यू 4/3 ये आंसर है। ठीक है, लेंदी था, हाँ लेंदी था, लेकिन हार्ड नहीं था। ठीक है, 25th था, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक सेकेंड हैंग कर रहा है, तो मैं शीट चेंज करता हूँ पॉज करके। हाँ, तो शीट चेंज कर ली हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ सेम मैग्निफिकेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट टू डिस्टेंसेस x1 एंड x2, ओके, फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ x1 एंड x2 क्या होगा? तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है और इमेजेस सेम मैग्निफिकेशन का बना रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दो डिस्टेंसेस में पॉसिबल है ना, एक बार डिस्टेंस x1 है, एक बार डिस्टेंस x2 है, एंड x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है लेंस से नापा गया है, तो रेशियो ऑफ x1 x2 क्या होगा? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन सेम है दोनों केस में, है ना, मैग्निफिकेशन इज सेम, है ना। अब मैग्निफिकेशन सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइज तो आपका सेम नहीं आ सकता, मतलब ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक बार सपोज आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखे हो, ठीक है, इमेज यहाँ पे बनवा रहे हो, ये थोड़ा दूर करते हैं, पहले समझो फिगर से ही हम लोग सोच सकते हैं, डेटा थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो, ठीक है, और इमेज देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डबल साइज का इमेज बन गया है ना, जैसे दिखा रहा हूँ मैं, जस्ट बहुत रफ फिगर है ना, तो ये डबल साइज का इमेज बन गया मान लो। ठीक है ना, चलो, और एक वो वाला केस है, अगर आपको डबल साइज का इमेज बनाना है, ठीक है, तो एक तो ये वाला केस हो गया अपोजिट साइड में बने, और एक केस हो गया कि फोकस के की बियॉन्ड बने। ठीक है, फोकस के बियॉन्ड अगर रखते हो आप अपने, थोड़ा छोटा पड़ गया लेंस, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ वाला फोकस से पास होगा, ठीक है, दूसरा ऐसा पास होगा, और इन दोनों को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, डॉटेड डॉटेड है यहाँ पे, समझ में आ रही बात, ये सॉलिड है, ये डॉटेड है। ठीक है, मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ ड्राइंग में, ये एच है 2H। ठीक है ना, तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा, ये तो फोकस के बियॉन्ड, मतलब ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए और ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है x1 और x2, डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो डिस्टेंस वाइज x1 x2 है, लेकिन ये छोटा वाला डिस्टेंस को x2 बोला गया, बड़ा वाला को x1 बोला गया, यहाँ देखो, समझ में आई बात? ठीक है, ओके, तो द रेशियो ऑफ x1 x2, x1 x2 का
रेशियो क्या है वो पूछा गया, ठीक है ना। वो तो आप डायग्राम से देख सकते हो, है ना, याद रखना ये फोकस है, ठीक है ना। तो डायग्राम से ही अगर आप देखोगे तो ये एक्स वन है, तो यहाँ पे आपको पता है ये टू एक्स वन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शुड बी हाफ ऑफ इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। हर डिस्टेंस लेंस से नापते हैं ना, तो टू एक्स वन होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से फोकस है ना, तो यहाँ पे आप लगा के देख लो, या आप फॉर्मूला ही पुट कर सकते हो आपका मन। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स टू है, ओके, ये इतना है, ये फोकस यहाँ पे, ठीक है, एक फोकस से बड़ा एक फोकस है, तो रेशियो ऑफ एक्स वन एक्स टू बोला है, ठीक है ना। तो आपको पता है, चलो इस मेथड से अगर नहीं भी करना है, मान लो इससे थोड़ा लंबा ही हो जा रहा, तो हम लोग वही मैग्निफिकेशन से करते हैं। तो इस केस में मैग्निफिकेशन है -2, और इस केस में मैग्निफिकेशन है +2, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही पुट कर लो बस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, लेंस के लिए होता है वी बाई यू, ठीक है, और लेंस के लिए 1/v -1/u, 1/, तो वी के वैल्यू UF/u+f, तो UF/u+f मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन, फोकस डिवाइडेड बाय U-F, तो U कितना है फर्स्ट केस में, -x1, ये नहीं U, ठीक है, ये तो गया मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट केस। मैग्निफिकेशन सेकेंड केस, फोकस डिवाइड बाई यू, सेकेंड केस में यू कितना है, -x2, ठीक है, x2 तो डिस्टेंस है इसलिए -x2, ठीक है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें, एफ तो हमें नहीं चाहिए, ओके, एफ भी है, x1 x2 भी है, एफ क्या है, हाँ फोकल लेंथ दिया 120, अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मतलब फिर तो इनसॉल्वेबल हो जाता, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, 20 इज इक्वल टू -40 + 2x1, तो यहाँ से x1 कितना हो गया, 60/2, 30, ठीक है, x1 हो गया 30, और इसमें अगर पुट करें एफ का वैल्यू 20, ठीक है, एफ का वैल्यू 20, तो -x2 + f, एफ याद रखना दोनों केस में +20 है ना, एफ तो वही सेम लेंस है ना, तो 20 इज इक्वल टू -2x2 + 40, तो 2x2 इज इक्वल टू 20, वो तो एक्सपेक्टेड था, एक्स वन एक्स टू दोनों पॉजिटिव आएगा क्योंकि डिस्टेंस लिए थे एक्स वन एक्स टू, है ना, लोकेशन नहीं था। तो x2 10 है, x1 30 है, आपसे x1/x2 अगर पूछा है तो 30/10, तो एक 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन लंबा था, इसको शॉर्ट में भी देख लो, तो पहले जितना लिखे उसको मिटाते हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 या 26 जो भी है, मुझे याद भी नहीं। तो अल्टीमेटली आपको ये रियलाइज करना है कि सेम मैग्निफिकेशन जब भी बोला जा रहा है, मैग्निफिकेशन जो होता है ये फॉर्मूला होता है वी बाय यू, है ना, और वी बाय यू को हम लोग वी को UF/u+f, तो F/u+f भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही मिरर लेंस फॉर्मूला यूज करके अल्टीमेटली ये आ गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन वैल्यू 2 बोला है, मतलब मैग्निफिकेशन +-2 कुछ भी है ना, ठीक है ना। दो अलग अलग डिस्टेंस का बात हो रहा है, मतलब कंफर्म, एक के से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, एक में नेगेटिव रहेगा, इनफैक्ट जिसमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें उल्टा बनेगा, ठीक है ना, और जिसमें डिस्टेंस कम रहेगा उसमें सीधा बनेगा। दोनों के से मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 2 है, डबल साइज का बन रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज, लेकिन एक केस में उल्टा बन रहा है, एक केस में सीधा बन रहा है, ठीक है। तो +-2 ले लिए, बस इससे भी आगे बढ़ सकते थे, फोकल लेंथ कितना दिया था हमने, 20, ठीक है, तो इसी से आगे बढ़ो ना, +-2u + -40 = 20, +-2u = 20 - +40, तो +2u लेंगे तो -40 लेना होगा, और -2u लेंगे तो +40 लेना होगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो u का वैल्यू आपको -10 मिलेगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो u का वैल्यू -30 मिलेगा, ठीक है ना। x1 x2 तो डिस्टेंस था, ठीक है ना, तो जो बड़ा वाला डिस्टेंस है x1 वो -30 का मॉड होगा, और जो छोटा वाला डिस्टेंस है वो -10 का मॉड होगा, क्योंकि u1 u2 तो u तो कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशन है, ठीक है ना, और दो अलग अलग लोकेशन है, 30 और 10 का रेशियो 3:1 डायरेक्टली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ शोज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय थिन लेंस वेरीज द इमेज डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन का डिपेंडेंस हमें वी पे चाहिए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तो लेंस के टर्म्स में, लेंस का ऐसा होता है, अब वी के टर्म्स में चले तो यू को हटाओ, यू को कैसे हटाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, यहीं पे वी बाय यू निकालते हैं, तो वी बाय यू निकालने के लिए इसको वी से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाय एफ, तो 1 माइनस ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाय एफ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, जैसे मैंने वैसे करूँ। तो मैग्निफिकेशन चाहिए हमें, मैग्निफिकेशन वाई एक्सिस पे है ना, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 माइनस वी बाय एफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें तो मैग्निफिकेशन वर्सेस वी, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपका y है, ये आपका x है, तो ये आपका स्लोप होगा, ये आपका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। ये स्लोप है माइनस वन बाय एफ इस स्लोप, ठीक है ना। इस डायग्राम से अगर आप स्लोप निकालो, जो फिगर दिया हुआ है उससे अगर आप स्लोप निकालो, तो स्लोप आपको मिलेगा राइज बाय, बेस करते हैं ना, स्लोप आप देखोगे तो सी बाय बी, ठीक है ना। और यहाँ से स्लोप कितना मिल रहा है, माइनस वन बाय एफ, दोनों को इक्वेट कर दो, तो होकल इन कितना आ गया, माइनस बी बाय सी, आंसर में है बी बाय सी, तो यही होना चाहिए। वो लोग मैग्नीच्यूड दिए, ठीक है, वो लोग फोकल लेंथ का क्या दिए, मैग्नीच्यूड दिए, फोकल लेंथ का मैग्नीच्यूड आप देखोगे तो बी बाय सी आएगा, ठीक है ना। ओके, लास्ट जो है क्वेश्चन सब खत्म हो गया, तो आप देख लीजिए। हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग को पता नहीं है, हम लोग सिर्फ तीन फॉर्मूला पता था, म्यू ऑफ लेंस, म्यू ऑफ सराउंडिंग, माइनस वन, वन बाय आर वन, वन बाय आर टू, ये एक फॉर्मूला पता था। दूसरा वन बाय वी, वन बाय यू, वन बाय एफ, ये लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स लेंस, और तीसरा वही वन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू, वैसे करते करते एक ये और एक लास्ट में वो भी वन बाय एफ, अगर मिरर वाला है तो माइनस टू बाय पहला लेंस, ठीक है, फिर से माइनस टू बाय दूसरा लेंस, है ना, सो वन ये माइनस टू बाय लेंस वाला का सम और प्लस वन बाय मिरर का सम, ठीक है। और एक अगर लिखना है तो ये, तो इन पांच फॉर्मूला से हम लोग सब क्वेश्चन कर लिए, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है और ये फॉर्मूला यूज हुआ है बस, ठीक है ना। तो इतने ही काफ़ी है, जेई मेन हो गया अपना, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है नहीं मेरे को सर एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा चलो पढ़ा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला जो है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है, ये लैब में मेन करते हैं हम लोग, ठीक है, फोकस फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ पे बनाते हैं भाई, मतलब बन जाता है लेंस को यूज करके, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को अगर यू पे रखे, यू डिस्टेंस है यहाँ पे, इमेज वी पे बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे कभी भी, है ना, वो फिक्स है। मतलब इमेज एक स्क्रीन को ऑप्टेंट कर रहे, स्क्रीन को शिफ्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फिक्स। लेकिन हम लोग लेंस को मूव कर रहे, ठीक है, तो लेंस को मूव करके एक दूसरे लोकेशन में भी देखे तो फिर से वहीं पे शार्प इमेज बन रहा है, मतलब फिर से यानी वहीं पे इमेज बना, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स आप प्रूफ कर सकते हो, इस केस में ये यू होगा और ये भी होगा, वही रिवर्सिबिलिटी से प्रूफ कर लो, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज को इंटरचेंज कर दो लोकेशन, ठीक है, वैसे भी सोच सकते हो, है ना। तो पहले यू था, ये वी था, अब छोटा वाला वही यू कर देंगे, बड़ा वाला को वी कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको शिफ्ट किया गया है बाय दिस मच, ठीक है ना, इसको सपोज एक्स डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस को सपोज कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस को कितने मोमेंट से शिफ्ट किया गया, वो है डिस्टेंस एक्स, और ऑब्जेक्ट और इमेज, ये ऑब्जेक्ट या स्क्रीन, इमेज जहाँ पे बन रहा उसी को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये लोग हमेशा फिक्स्ड है, ध्यान देना, स्क्रीन फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट भी फिक्स है, खाली यहाँ पे मूवेबल कौन है, ये मूवेबल है, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला जो होता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d, ये होता है, ठीक है। दूसरी बात, डी का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 4f आएगा, अगर दो अलग अलग पोजिशन मिल रहे आपको, मतलब इफ एक्स इज नॉट जीरो, ठीक है, अगर एक्स आपका जीरो हो जाएगा तो आपका, जैसे यही भी पुट कर लो ना, एक्स वैल्यू अगर जीरो हो गया तो आपका ये डी का वैल्यू, एक सेकेंड, एक्स वैल्यू जीरो हो गया तो डी का वैल्यू 4f आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 4f आएगा हमेशा, बस यही है, बस और कुछ नहीं। इसमें और दो तीन चीज अगर जानना है तो जान लो, ठीक है। अगर फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन m1 है, सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन अगर m2 है, ठीक है ना, फर्स्ट केस में जो इमेज बन रहा है उसका मैग्निफिकेशन m1 है, सेकेंड केस का m2 है, तो ऑफकोर्स m1 इंटू m2 1 आएगा, क्योंकि m1 में आप क्या यूज करोगे, v बाय u,
एम टू में क्या करोगे, क्योंकि यू आर वी इंटरचेंज हो चुका है, ये तो वन ही आना है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमेशा मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट वन आएगा, ठीक है ना। अब इसका बेसिस आप यही बोल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज अगर आपसे कोई पूछा है, सपोज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एच है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एच है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ इमेज फर्स्ट केस में मान लो साइज ऑफ इमेज एच वन है, सेकेंड केस में साइज ऑफ इमेज एच टू है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। फर्स्ट केस में उल्टा ही बनेगा ऑफकोर्स, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है रियल इमेज बना रहा है तो उल्टा ही बना रहा हो, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता वैसे इस एनालिसिस में। तो ऑब्जेक्ट का साइज एच है और इमेज का साइज इन फर्स्ट केस एच वन है, सेकेंड केस में एच टू है, ठीक है। कोई मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट आपको पता है इतना है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस का मैग्नीफिकेशन हो जाएगा इतना मैग्नीट्यूड वाइज, सेकेंड केस का हो जाएगा इतना, ठीक है। तो आपको देख सकते हो एच स्क्वायर हो गया एच वन इज टू, एच वन इंटू एच टू, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस, हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस, उसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। जैसा खाली लेंथ है ना, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोच रहे, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। यहाँ सब चीज़ पॉजिटिव आएगा, एफ भी पॉजिटिव आएगा, इसे भी पुट उट करो, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, यहाँ पे फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग, अधिकतर लोग, हम लोग फोकस फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हम लोग ऐसा कन्वेंशन लेते हैं कि पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी मैं बताऊंगा फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ही मिल जा रहा है, ठीक है। डी तो बड़ा होता है एक्स से, इसलिए है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, जो चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट में पूछना। तो ये तो थर्ड लेक्चर का थर्ड पार्ट था, क्योंकि लेंसेज के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, तो इससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है, इससे तीन पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है ना। ये एक्चुअली में थर्ड ही लेक्चर है, तो ये मत सोचना कि तीन लेक्चर देख लिया आज आप, लेक्चर अगर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री देख रहे हो तो सब मिला के एक ही लेक्चर है, ठीक है। अलग अलग पार्ट से तोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, वैसे नहीं सोचना है, ठीक है ना। फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्ली डिस्पर्शन करेंगे, ठीक है, दो टॉपिक और बचा, फोर्थ में डिस्पर्शन करेंगे, फिफ्थ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।